राम राम दोस्तों, नमस्कार सभी साथियों का वेलकम स्वागत संगीत धुन योगी यूट्यूब चैनल पर। खासकर एक नौजवान बच्चों में दोस्तों, ये आइए कि हम शीर्षासन कैसे करें या हैंड स्टैंड कैसे करें। देखो, एकदम अचानक कहीं भी करना ये बड़ा जोखिम भरा है, जैसे कि बैक में पेन हो या स्लिप डिस्क हो जाए, झटका लग जाए, तो ऐसा नहीं करना। तो आप ये सोचें दूसरा हमारे पास है नहीं तो हम किसका सहारा लें, तो कैसे करें। तो इसका सबसे बढ़िया सहारा क्या है, अपने घर में अपना एक मैट लीजिए और किसी चीज का सहारा लीजिए, जैसे कि जिम आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आराम से वज्रासन में आ जाना है, अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। तो पूरा आराम से दीवार के सारे सट जाना है। देखो हम यहाँ दीवार के सहारे, बिल्कुल देखो ये मेरा सिर लग गया, तो इसके साथ ना अपनी एल्बो को बेंड कर देना है ये, ताकि हमें सपोर्ट मिल जाए ऊपर उठने में, ठीक है। ये हो गया हमारा अधोमुख आसन। तो इसके साथ सहारा लेते हुए करना है, ठीक है। कैसे करोगे, पहले इसको आप आधा करोगे, ये आधा कर लिया। इतना बैलेंस होने के बाद देखो हमारे पास पीछे दीवार है, दीवार का सहारा लगा हुआ और यहाँ तक हम बैलेंस कर लिए। तो इसके साथ ना फिर ये दीवार का सहारा लेगा ऐसे, शुरू शुरू में थोड़ा अजीब सा लगेगा, इतना नहीं कर पाओ। तो ये काम में थोड़ा और पीछे आ जाएगा, जितना सहारा मिल जाएगा ये देखो, फिर बिल्कुल आप आराम से कर लोगे। ये किया, बैलेंस बनाया, अब थोड़ा थोड़ा उठा के ये पीछे आ गया। अब मेरा शरीर दीवार से सट पीछे है, लेकिन मेरा आधे से पूरा हिस्सा पैर हिप्स वगैरह सब दीवार से लगे, मेरे को सपोर्ट नहीं रही, वैसे मैं गिरूंगा नहीं। तो ऐसे ही शुरू शुरू में अभ्यास करना, फिर धीरे धीरे मोड़ के आराम से चोट दीजिए, इस आसन को शुरू शुरू में सहारा लीजिए। घर पे दीवार का कोई ना हो तो अकेले हो तो बिल्कुल दीवार का सबसे बेस्ट है। और धीरे धीरे पहले इसको आधा करना है, आधा में आपका बैलेंस बनने लग जाएगा, फिर इसको पूरा करना है। बड़े ध्यान से करना है, जोखिम भी लेनी है, ना समझ में आए तो अभ्यास के साथ धीरे ही आ जाएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लाइक और कमेंट करना।